आज के समय में विज्ञान का क्षेत्र बहुत तरक्की कर रहा है। कलम से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ विज्ञान की ही देन है। हमारी दुनिया गैजेट्स और मशीनों से भरी पड़ी है दोस्तों। विज्ञान ने मानव समाज के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कंप्यूटर मनुष्य की इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है जिसने मानव जीवन को लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। शुरुआती दिनों में कंप्यूटर इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन लगातार विकास के कारण आज हमारे हर एक काम में कंप्यूटर हमारी जरूरत बन गया है। आने वाले समय में मशीनी युग की शुरुआत होने वाली है, या तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो ही चुकी है, जहां कंप्यूटर अब मनुष्यों की तरह ही सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। तो आज हम एक बहुत ही मशहूर तकनीक के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसका नाम है मशीन लर्निंग। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन अगर इसके बारे में आप और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं मशीन लर्निंग क्या है, ये काम कैसे करती है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है, जो कि सिस्टम को ये काबिलियत प्रदान करता है कि वो ऑटोमेटिकली सीख सके और जरूरत पड़ने पर खुद को बेहतर भी बना सके। मशीन लर्निंग स्पष्ट रूप से प्रोग्राम के लिए बिना सिस्टम को ऑटोमेटिकली लर्न करना सिखा सकती है। इसमें सिस्टम को कार्य करने के लिए इतना कुशल बना दिया जाता है कि मशीन अगली बार से अपने पिछले अनुभव के आधार पर खुद ही उस कार्य को पूरा कर सके और लगातार उसमें सुधार कर सके। जैसे कि हम इंसान करते हैं, हम अपने अच्छे बुरे सभी अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते हैं और भविष्य में उस अनुभव के आधार पर ही कोई कार्य करते हैं। मशीन लर्निंग के पीछे का कॉन्सेप्ट इसी आधार पर बना है, यानी कि किसी एक विशेष कंप्यूटर या मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो यूजर के मन मुताबिक काम कर सके, साथ ही यूजर के कमांड और उससे जुड़े डेटा को भी स्टोर करके रख सके। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के विकास पर फोकस करता है, जो कि डेटा को खुद ही एक्सेस कर सके और बाद में उसे खुद के लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सके। मशीन के सीखने की प्रक्रिया डेटा या ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शंस के जरिए मशीन प्राप्त डेटा में पैटर्न की तलाश कर सके और भविष्य में मनुष्यों द्वारा दिए गए उदाहरणों के आधार पर बेहतर निर्णय ले सके। मशीन लर्निंग बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर बिना किसी इंसान की सहायता से अपने आप ही सीख सके और उसके अनुसार ही कार्य को अंजाम दे। आसान भाषा में कहें तो मनुष्य अपनी तरह ही सोचने वाली मशीन बनाना चाहता है। और अब हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक रूप है, जो कि कंप्यूटर को इंसानों के समान सोचने के तरीके के बारे में सोचना सिखाता है, जैसे पिछले अनुभवों से सीखना और सुधारना। ये डेटा की खोज पैटर्न की पहचान करके काम करता है और इसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल होता है। मशीन लर्निंग को इतना मूल्यवान बनाने का एक बड़ा हिस्सा ये पता लगाने की क्षमता है कि डेटा को रीड या कलेक्ट करते समय मानव की नजरों से क्या छूट गया है। मशीन लर्निंग मॉडल उन जटिल पैटर्न को पकड़ने में सक्षम है जिन्हें ह्यूमन एनालिसिस के दौरान अनदेखा किया जाता है। मशीन लर्निंग के काम करने के तरीके को समझने के लिए इसके प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम 4 प्रकार के होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में। इस प्रकार के एल्गोरिथम में मशीन अपने पिछले अनुभवों से जो सीखा हुआ होता है उसे ये नए डेटा में लागू करता है, ताकि वो पहले से दिए गए उदाहरण का इस्तेमाल करके भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सके। ये एल्गोरिथम ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से मनुष्य वास्तव में अपने अनुभवों से सीखते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को इनपुट के तौर पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण तथा जवाब दिए जाते हैं, जिससे ये एल्गोरिथम इन उदाहरणों से सीखती है और इन इनपुट्स के आधार पर सही आउटपुट का अनुमान लगाती है। नंबर 2, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के विपरीत, इसमें इनपुट के रूप में उदाहरण और जवाब पहले से नहीं दिए जाते। इसमें एल्गोरिथम को खुद ही डेटा के आधार पर अनुमान लगाना होता है, इसीलिए ये एल्गोरिथम टेस्ट डेटा या रियल डेटा से सीखते हैं, जिन्हें पहले से लेबल्ड, क्लासिफाइड या कैटेगराइज्ड नहीं किया गया है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम डेटा में समानताओं की पहचान करता है और डेटा के प्रत्येक नए टुकड़े में ऐसी सामान्यताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आउटपुट देता है। नंबर 3, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये एल्गोरिथम दोनों सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में आता है,
क्योंकि प्रशिक्षण के लिए ये दोनों लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा का इस्तेमाल करता है। वो सिस्टम जो इस एल्गोरिथम मेथड का इस्तेमाल करता है वो बड़ी ही आसानी से अपनी लर्निंग एबिलिटी को समय समय पर काफी सुधार करने में सक्षम होता है। नंबर 4, रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग एक सीखने की विधि है जो क्रियाओं को प्रस्तुत करके अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करता है और साथ ही एरर्स को भी डिस्कवर करता है। ट्रायल एंड एरर को खोज निकालना और उनके बारे में पता लगाना इस एल्गोरिथम की खासियत है। ये मेथड मशीन और सॉफ्टवेयर एजेंट्स को किसी भी विशेष निर्देश की गतिविधियों का खुद से पता लगाने में सहायता करता है, जिससे ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सके। और अब हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है। मशीन लर्निंग का उपयोग करके गूगल बहुत सी नई चीजें कर रहा है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर सड़क पर लगे संकेत बोर्ड या किसी भाषा में लिखे मेनू की फोटो लेकर उसमें मौजूद शब्दों और भाषा का पता लगाता है और उसका आपकी भाषा में उसी समय ट्रांसलेट कर देता है। ये असल में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का ही कमाल है। इसके साथ आप गूगल ट्रांसलेटर से कुछ भी बोल सकते हैं और मशीन लर्निंग के जरिए काम करने वाली स्पीच रिकॉग्निशन यानी बोली को पहचानने वाली तकनीक अपना काम शुरू कर देगी। स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल गूगल के और भी प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे गूगल ऐप में आप अपनी वॉइस से कुछ भी सवाल कर सकते हैं और यूट्यूब में भी आप मनचाही वीडियोस को लिखकर सर्च करने के अलावा बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल और भी कई जगह पर किया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि फेसबुक, शॉपिंग वेबसाइट्स, ईमेल इत्यादि। दुनिया भर में फेसबुक का इस्तेमाल काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है और मशीन लर्निंग का उपयोग फेसबुक में ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग सजेशन में किया जाता है। इसमें फेस डिटेक्शन और इमेज रिकॉग्निशन के आधार पर फेसबुक अपने डेटाबेस में चेक करता है और किसी फोटो या इमेज को पहचान लेता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सर्च किए गए प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारियां आपको हर जगह दिखाई देने लगती है। जैसे आपने अमेज़न पर कुछ सर्च किया है और कुछ देर बाद जब आप फेसबुक या यूट्यूब खोलेंगे तो वहां भी आपको उसी प्रोडक्ट से जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं। तो ये सब असल में मशीन लर्निंग की वजह से दिखाई देता है, जिसमें गूगल आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और उसी के अनुरूप विज्ञापन दिखाता है। ठीक इसी तरह ईमेल इस्तेमाल करते समय आपने देखा होगा कि कैसे सिर्फ हमारी जरूरत की मेल्स ही इनबॉक्स में आती है और अधिकतर मेल्स स्पैम मेल्स वाले फोल्डर में चली जाती है। तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती रही है दोस्तों, जिसमें मशीन लर्निंग द्वारा ऑटोमेटिकली किसी ईमेल का कंटेंट और सोर्स डिटेक्ट कर लिया जाता है और कुछ गलत पाए जाने पर ईमेल को स्पैम कर दिया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। मशीन लर्निंग के फायदे की बात की जाए तो इससे इंसान की जिंदगी काफी आसान हो गई है। जहाँ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल लगातार हर क्षेत्र में कार्यों को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है और इसके लिए लगातार मशीनों को और भी प्रभावी और कुशल बनाया जा रहा है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तकनीक का फायदा लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। जैसे रिटेल में जहाँ ट्रेड को आसानी से समझा जा सकता है और भविष्य में होने वाली सेल की अनुमान लगाया जा सकता है, साथ ही कस्टमर के ब्राउजिंग बिहेवियर को समझकर उचित प्रोडक्ट उनके स्क्रीन पर सुझाए जा सकते हैं, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ सके और सेल में वृद्धि हो पाए। फाइनेंस सेक्टर में भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कस्टमर को बेहतर और तेज सर्विस उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे लेन देन सुरक्षा बढ़ाना और फ्रॉड गतिविधियों पर रोक लगाना। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी मशीन लर्निंग बहुत तेजी से कार्य कर रही है। मशीन लर्निंग की सहायता से मनुष्य के शारीरिक गतिविधियों द्वारा उनके बीमारी का पता लगाने में मदद मिलती है, साथ ही इससे काफी कम खर्च में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलता है। गूगल और फेसबुक में भी मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से यूजर को उचित विज्ञापन दिखाते हैं। ये सभी विज्ञापन यूजर के पास्ट सर्च बिहेवियर पर आधारित होते हैं, इसीलिए इसे टारगेट एड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का उपयोग ऑनलाइन धोखाधड़ी को पकड़ने, स्पैम फिल्टर करने, थ्रेट रोकने और नेटवर्क सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसी प्रकार ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे बहुत से क्षेत्र भी हैं जहां पर इसके लिए रिसर्च किया जा रहा है कि ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भविष्य में मशीन लर्निंग का उपयोग अधिकतम चीजों में किए जाने की संभावना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मशीन लर्निंग काफी बड़ा विषय है दोस्तों, जिसे हमने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको इससे मशीन लर्निंग क्या है और ये कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मशीन लर्निंग के विषय में आपकी क्या राय है ये आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए
और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।